सैमुल रिचर्सन वॉज एन इंग्लिश राइटर एंड प्रिंटर जो सैमुअल रिचर्डसन हैं वो एक इंग्लिश राइटर और प्रिंटर हैं ही वॉज बॉर्न ऑन नाइनटीन अगस्त सिक्सटीन एटी नाइन मैकवर्स यूनाइटेड किंगडम उनका जो जन्म हुआ था वो यूनाइटेड किंगडम में हुआ था सिक्सटीन एटी नाइन में ही डाइड ऑन फोर्थ जुलाई सिक्स सेवनटीन सिक्सटी वन पार्सनस ग्रीन लंडन यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड किंगडम में ही उनकी डेथ हुई थी सेवनटीन सिक्सटी वन में ही मैरिड मार्था वाइल्ड इन सेवनटीन टीवनटीन टवेंटी वन में उन्होंने मार्था वाइल्ड से शादी की थी पामिला और वर्च्यू रिवार्डेड जो पामिला वर्क है उसका सेकेंड नेम और सब टाइटल जो है वो है वर्च्यू रिवार्डेड और ये एक, एक एपिस्टोलरी नावल है एपिस्टोलरी नावल क्या होती है इट कम्युनिकेशन हैपन्स थ्रू लेटर्स इसमें जो कम्युनिकेशन होता है इसमें लेटर्स का यूज किया जाता है फर्स्ट पब्लिश इन सेवनटीन फोर्टी जो इसका फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था वो सेवनटीन फोर्टी में हुआ था कंसिडर द फर्स्ट थ्रू इंग्लिश नॉवल इसे फर्स्ट थ्रू इंग्लिश नॉवल भी माना जाता है इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट नॉवल है इट सर्व्स एज रिचर्डसन वर्जन ऑफ कंडक्ट लिटरेचर अबाउट मैरिज कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो पहला जो कैरेक्टर है वो है पामिला and pamela is protagonist also she is the protagonist of the novel and she is a lively maid of 15 wo 15 saal ki hai aur ek maid hai mr b he has his properties at different places in bret uh, bedfordshire lincolnshire kent and london jo mr b hain wo kafi ameer hain aur unke paas jo property है उनकी वो चार जगह है अगर आपको ये चार जगह नाम याद रखते हैं बेटफोर्शाया लिंकन शाया कैंट एंड लंडन ये चार अगर आपको याद रहते हैं तो आपको स्टोरी लाइन बहुत ईजिली याद हो जाती है ही इज ट्वेंटी सिक्स ईयर्स ऑफ एज यहाँ पर जो है वो छब्बीस साल के हैं ही बिकम्स पामिलाज हजबेंड लेटा और ये बाद में पामिला के हस्बैंड बन जाते हैं एंड द लास्ट लेडी डेवर्स लेडी डेवर्स द मैरिड एल्डर सिस्टर ऑफ मिस्टर बी ये मिस्टर बी की एल्डर सिस्टर हैं लेडी बी पामिलाज ओरिजिनल एम्प्लॉयर द मदर ऑफ मिस्टर बी एंड लेडी डेवर्स, लेडी डेवर और मिस्टर बी की जो मदर है वो है आपकी लेडी बी मिसेस जूकस, शी टेक्स केयर ऑफ मिस्टर मिस स्टेट इन लिंकनशायर, हु कीप्स पामिला इन कैप्टिविटी और ये जो मिसेस जूकस हैं ये लिंकनशायर में रहते हैं राइट एंड शी टेक्स केयर ऑफ मिस्टर बीज स्टेट और ये ही पामिला को कैप्टिविटी में रखते हैं बाद में समरी में देखेंगे मिसेस जोविस शी टेक्स केयर ऑफ मिस्टर बीज स्टेट इन बैटफोशायर ये मिस्टर बी का जो स्टेट बैटफोशायर में है ना वहाँ पर उसका ध्यान रखते हैं शी इज़ अ वर्चुअस सर्वेंट और जो मिसेस जोविस हैं वो एक वर्चुअस सर्वेंट है मिस्टर जॉन एंड्रीज़ पामिलाज़ फादर एंड शी सेंस लेटर्स ऑन रेगुलर बेसिस और जो मिस्टर जॉन एंड्रीज है वो पामेला के फादर हैं और वो अपने फादर को कंटिन्यूसली लेटर लिखती है जिसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं इज़ एलिज मदर ये पामेला की मदर है ये मिस्टर बी के जो स्टेट है लिंकनशाया वहां पे पेस्टर है मॉन्सर कॉल ब्रैंड ही इज टू कीप एन आई ऑन पॉमिला इन लिंकन शायर जब लिंकन शाहर में पॉमिला को कैप्टिविटी में रखा जाता है तो मॉन्सर कॉलब्रेंड को वहाँ पर भेजा जाता है दूसरा है जैकरी लेडी डेवर्स बीज स्टेट इन लिंकन शायर एंड एड्स ह्रॉटिंग पामिला तो यहां पर जो जैकी है वो भी मिस्टर बीके लिंकन शाहर स्टेट में रहता है बैकवॉर्ड इन परसिक्यूट पामिला इन लिंगन शाया विद देल्प ऑफ मिस्टर बी ये जो बैकवॉर्डन है ये मिस्टर बी का साथ देता है पामिल को परसिक्यूट करने के लिए जॉन अनाल्ड अटमैन एट द बेटफोर शाया स्टेट ये एक फुटमैन है बर्ड बर्ड फॉर बेटफोर्ड शाया स्टेट में मिस्टर लॉन्ग मैन ही इज अ वर्चुअल सर्वेंट एट द बेट फॉर शाया स्टेट ये जो मिस्टर लॉन्ग मैन है ये भी बेट फॉर्ड शाया स्टेट में

ड्रंक कर देती है शेली गॉडफ्रे शी वॉज अ चाइल्ड टू हिम जो शैली गॉडफ्रे है ये मिस्टर बी के जानने वाली है और इन दोनों का एक बच्चा भी होता है शी लिव्स इन जमैका एंड लिव्स लिवसली देयर वो जमैका चली जाती है और वहाँ अभी हैप्पली रह रही है सर साइमन डान फोर्ड अ नोबल नेबर ऑफ मिस्टर बी इन लंक ये एक नोबल नेबर है मिस्टर बी का जो कि लिंकन शायर में रहता है मिसेस गुडविन एलिजमेट डॉटर ऑफ सैली गॉटफ्रे। सेली गॉटफ्रे जिसके बारे में अभी हमने देखा जो जमाई का चली गई है उसकी जो बेटी होती है वो मिस गॉडविन है और वो एक अनाथालय में रहती है नाउ लिव्स एट अ शायर इन अ बोर्डिंग स्कूल शी डजेंट नो अबाउट हर पेरेंट वो अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं जानती लेडी डान फोर्ड दाइफ और सर साइमन डानफोर्ड ये जो है ये वाइफ है सर साइमन डाइफ डॉनफोर्ड की मिस एल्डर दल्डर फर्स्ट डॉटर ऑफ सर साइमन एंड लेडी डानफोर्ड मिस डानफोर्ड दंग देंड डॉटर ऑफ सर साइमन एंड लेडी डॉन्फोर्ड उनके दो बेटियां हैं मिसेस पीटर्स वाइफ ऑफ मिस्टर पीटर्स लेडी जोन्स A noble neighbor of Mr. B in Lincolnshire, Mr. Perry, a gentle neighbor of Mr. B in Lincolnshire, Mrs. Arthur, two daughters of uh, Miss Danford and uh, Mr. Danford, the elder one and the younger one, Mr. Mrs. Peter, the wife of Mr. Peter. लेडी जोन्स अ नोबल नेबर ऑफ मिस्टर बी इन लिंकशाया मिस्टर पेरी अ जेंटल नेबर ऑफ मिस्टर बी इन लिंकनशाया ये भी लिंकन शायर में हैं सो आपको ये याद रखना है कि लेडी जोन्स मिस्टर पेरी ये सभी लिंकन शायर में रहते हैं मिसिज ऑर्थर वाइफ ऑफ मिस्टर ऑर्थ मिस्टर टावर अ जेंटल नेबर ऑफ मिस्टर बी इन बेटफोरशा लेडी टावर्स द वाइफ ऑफ मिस्टर टावर्स मिसिस चैम्बर्स वाइफ ऑफ मिस्टर चैम्बर्स mr carlton an acquaintance of mr b in lincolnshire who dies shortly after the wedding farmer Nichols' wife and daughter's neighbors in bedfordshire from whom pamela buys material to make a gown and petticoat a gypsy fortune, fortune teller this is uh, very important jo gypsy fortune teller hota hai, yehi, uh, pamela ko शैम मैरिज के बारे में बताता है ही गिवस अ नोट टू पामिला अबाउट शैम मैरिज विच इज़ मिस्टर बीज प्लान रेचल सिसली एंड हाना मेड सर्वेंट एट बैटफोरशाया जो रेचल सिसली एंड हाना है ये मेड सर्वेंट्स हैं बेटफोर्टायाट में आइजिक uh, बैंजमिन ये भी मैन सर्वेंट हैं आपके बेटफोशायाट में रिचर्ड रॉजर एंड थॉमस ग्रूम्स एट बैटफोरशायाट रॉबिन द कोच मैन एट दिंकन शाया स्टेट अब्राहमुन एट बैट फोर शायाट मिसेजन शी गन है वो मिस गोडविन जो शैली uh, uh, की गोडफ्रे की बेटी है उसकी गवर्नेंस है शी टेक्स केयर ऑफ मिस डॉब्सन ये मिस डॉब्सन की केयर करती है

वो लेडी बी के साथ तीन साल से काम कर रही है लेडी बी हैज़ रिसेंटली डाइज डाइड लेडी बी जो है वो अभी अभी उसकी डेथ हुई है नाउ स्क्वायर बी इज़ द न्यू मास्टर ऑफ हर ही इज ट्वेंटी जो मिस्टर बी है वो अभी ट्वेंटी का है और वो उसका नया मास्टर बन जाता है आफ्टर समटाइम्स मिस्टर बी स्टार्ट फ्लटिंग विद फ्लर्टिंग विद पामिला जो मिस्टर बी है वो पामिला के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है पामिला राइट्स लेटर टू हर पेरेंट्स स्टेटिंग होल स्टोरी अबाउट हर मास्टर एंड वो शी विल नेवर लूज हर चेस्ट टी पामिला इस बारे में अपने पेरेंट्स को लेटर के थ्रू बताती है और कहती है कि वो अपनी चेस्ट टी कभी नहीं खोएगी हर पेरेंट्स सजेस्ट हर टू लिव मिस्टर बीज हाउस इफ़ ही मेक्स एनी फिजिकल अटैम्प्टन हर उसके पेरेंट्स उसे सजेस्ट करते हैं कि अगर मिस्टर बी कभी फिजिकल अटैम्प्ट करता है तो वो उसका घर छोड़ दे पामिला रजिस्ट ऑल दटेम्प मेड बाई हर मास्टर विगरसली पामेला जो भी अटैम्प्ट उसके मास्टर के द्वारा किए जाते हैं उनको रजिस्ट करती है मिस्टर बी ट्राइज टू गिव मनी एंड गिफ्टो पामेला टू कीप ह्वाइट अबाउट द इंसीडेंट जो मिस्टर बी है वो पामिला को काफ़ी सारा पैसा और गिफ्ट देता है शी शेयर्स ऑल द इंसीडेंट विद हर पेरेंट्स एंड हाउस कीपर मिसटर मिसिस जरविज जो पामेला है वो ये सारे इंसिडेंट अपने पेरेंट्स के साथ में और मिसेस मिसेज के साथ में शेयर करती है नाउ मिस्टर बी सस्पेक्ट पामेला फॉर डिस्कसिंग हिज एक्ट एट होम एंड हर पेरेंट्स जो मिस्टर बी है उसे इस बात के लिए सस्पेक्ट करता है पामेला को वन नाइट मिस्टर बी हाइड्स इन अ अलोजेट एंड वन पामेला अनड्रेस एट नाइट ही अटैम्प ऑन हर जब मिस्टर uh, बी एक क्लोज में छुप जाता है और uh, वो जब पामेला उस रूम में आकर अनड्रेस होती है तो उस पर ही ट्राइज टू अटैम्प्ट ऑन हर पामेला टू डिमनिश दिबडो शी ऑलवेज फॉल इन टू अर सून वेन एवर ही ट्राइज टू मेक फिजिकल अटैम्प्ट जब भी पामेला पर फिजिकल अटैम्प्टिटर बी करने की कोशिश करता है तो वो बेहोश हो जाती है मिस्टर बी कंटिन्यूड हैरसिंग हट पामेला डज नॉट लीव हाउस इवन इफ शी थ्रेटन्स हिम फॉर इट मिस्टर बी उसे

फाइनली वो डिसाइड कर लेती है कि वो मिस्टर बी का घर छोड़ देगी अनफॉर्चुनेटली हर ड्राइवर इन द इज कोचमैन फ्रॉम मिस्टर बीज स्टेट इन लिंकन शाया एंड डेस्टिनेशन टर्स आउट नॉट टू बी दन शी इंटेंडेड यहाँ पर जो मिस्टर बी है वो उसे धोखे से लिंकन शाया ले आता है बेटफोर्ड शायर से क्योंकि जो ड्राइवर होता है वो मिस्टर बी का ही कोचमैन uh, है मिस्टर बी रीड्स ऑल द लेटर्स ऑफ पामेला एंड राइट्स अ लेटर टू हर पेरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ हर टू कम टू टेक हर मिस्टर बी उसके लेटर्स letter, सारे लेटर्स पढ़ लेता है और उसके बाद उसके पेरेंट्स के लिए एक लेटर पामेला के बिहाफ़ पे लिखता है और कहता है कि वो उसे लेने आ जाएं मिस्टर एंड्रीज जो पामेला के फादर हैं वो वहाँ पर आते हैं बट ही डजेंट फाइंड इट डॉटर देयर लेकिन उनको वहां पर अपनी जो डॉटर है वहां पर नहीं मिलतीस ऑफ पामिल एंड टू हर पेरेंट ऑन बिहाफ टू कम टू टेक हर फॉमिला इज ब्रॉड टू लिंकन शायर वे शी इज अंडर सुपरविजन ऑफ मिस्टर मिसिस जूकिस जो मिसिस जूकिस है अब वो फॉमिला uh, का वहां पर ख्याल रखती है शी इज टू मैलेग्नेंट हाउस कीपर वो बहुत ही बुरी हाउस uh, कीपर है पामिला हैज अराव्ड इन लिंकन शायर पामिला जो है वो अब लिंकन शायर में आ चुकी है वेयर आर दी क्रूड एंड मेलेगनेट हाउस कीपर मिसेस ज्यूकस वॉच हर एवरी मूव जो लिंकन शायर में जब पामिला पहुंच जाती है तो मिसेस ज्यूकस उस पर उस पर ध्यान रखती है शी स्टिल राइट्स लेटर टू हर पेरेंट्स बट शी इज अनेबल टू सेंड दैम ऑन रेगुलर बेसिस जो uh, पामेला है वो अपने पेरेंट्स के लिए लेटर लिखती है बट उन्हें सेंड नहीं कर पाती शी मेक्स प्लान टू स्केप फ्रॉम देयर एंड टेक्स हेल्प ऑफ मिस्टर विलियम वो मिस्टर विलियम के हेल्प से वहाँ से भागने का प्लान करते हैं दे बोथ मेक अ सीक्रेट सिस्टम टू हाइड देयर लेटर्स एंड दे हाइड देयर नोट्स बी बिसाइड अ सनफ्लावर इन दी गार्डन दोनों के दोनों का एक सीक्रेट प्लान होता है अपने जो लेटर्स है उनको छुपाने का अ कलर्जी मैन सजेस्ट मिस्टर विलियम एंड पामिला टू गेट मैरिड एक जो कलर्जी मैन होता है वो मिस्टर विलियम को सजेस्ट करता है कि वो पामिला से शादी कर ले सो दैट मिस्टर बी विल नॉट हैव एनी ओवर हर तो जिससे मिस्टर बी की कोई ऑथॉरिटी पामिला के ऊपर ना रह जाए शी रिजेक्ट्स द ऑफर एंड लेटर शी फाइंड्स दैट इट वॉज सजेस्टेड बाई मिस्टर बी और ये जो प्लान होता है ये मिसटर बी का ही होता है और पामिल इसे रिजेक्ट कर देती है जबकि उसे ये बात पता नहीं होती है आफ्टर अ फ्यू डेज़ पामेला मेक्स एन अटैम्प टू स्के बट हर नर्व्स प्रिवेंट्स हर डूइंग सो जब पामेला एक बार फिर अटेम्प्ट करती है वहाँ से भागने का लेकिन वो नहीं कर पाती शी वॉज गोइंग अक्रॉस द गार्डन फॉर स्केपिंग शी फेंट्स देयर लेकिन जैसे वो गार्डन को क्रॉस कर देती कर रही होती है उसी टाइम वो बेहोश हो जाती है नाउ नाव अक्रोल श्विस्मैन वॉज अपॉइंटेड टू कीप एन आई ऑन पामिला एक अब अबग्रुअल स्विस मैन को अपॉइंट किया जाता है कि वो पामिला को देखता रहे मिस्टर बी सस्पेक्टिंग मिस्टर विलियम ऑफ कल्यूडिंग विद पामिला सेंड्स हिम टू प्रिजन फॉर डेट जो मिस्टर बी है उसे मिस्टर विलियम पे सस्पेक्ट होता है वो उस पर संदेह करता है और उसे वो जेल भेज देता है एक झूठे केस में पामिला कंक्लूड्स दैट शी हैज़ रन आउट ऑफ ऑप्शन एंड मेक्स अ डेस्परेट स्केपटेम इन द मिडल ऑफ नाइट पामेला जब उसे लगता है कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ से बाहर निकलने का तो अब वो आधी रात को वहाँ से भागने की कोशिश करती है शी डिसाइड्स ड्राॅइंग हर सेल्फ बट शी रिमेंबर्ड हर कमिटमेंट टू लाइफ वो एक बार डूबने का भी प्रयास करती है सोचती है बट वो प्लान करती है डूबने का बट उसके बाद उसे याद आता है अपना कमिटमेंट टू लाइफ इन द मॉर्निंग शी द अदर सर्वेंट्स हर लाइंग लाइंगड इन द आउट हाउस एंड हर कैप्टिविटी कैप्टिविटी कंटिन्यूज एज बिफोर और जो सर्वेंट है उन्हें वो बाहर गिरी हुई मिलती है और उसे वो वापस लाते हैं और उसकी जो कैप्टिविटी है वो वहाँ फिर शुरू हो जाती है अ फ्यू डेज लेटर मिस्टर बी विजिट्स लिंकन शायर कुछ दिन बाद मिस्टर बी लिंकन शायर आता है He offers Pamela with a set of terms on which he proposes to make her his mistress, but she denies it. So, uh, now this time he proposes her and tells her that she will be his mistress. Lekin wo is baat ke liye deny kar hai. He changes his strategy. Ab wo ye strategy change kar leta hai. Mr. B gets close to Pamela at night by impersonating a drunken maid servant. अब यहाँ पर जो मिस्टर बी है वो रात को खुद को एक ड्रंकन मेड बताकर पामेला के पास आता है पामेला को जब बेहोशी आ जाती है तो फिर से इसमें उसकी मदद होती है आफ्टर दिस एपिसोड मिस्टर बी शोज साइन ऑफ बींग जेनली चेस्टन ही अगेन टू ट्राई ऑन हर बट डज नॉट यूज एनी फोर्स अब वो जब भी अटैम्प्ट करता है तो फोर्स का यूज नहीं करता फिजिकल अटैम्प्ट नहीं करता पामिल पामिल कम्स टू एड हर अगेन आफ्टर दिस एपिसोड मिस्टर बी शोज साइन ऑफ बींग जनरली चेस्टन देन ही एक्सप्लेन्स नाउ स्टोरी कम्स टू हियर देन ही एक्सप्लेन्स टू हर दैट ही हैज़ कम टू प्रेज हर कैरेक्टर एंड इनफैक्ट डीपली लव्ज हर बट हिज आइडिया ऑफ मैरिज प्रिवेंट प्रिवेंट्स मेकिंग एन ऑनेस्ट प्रपोजल यहाँ पर वो फिर बताता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ योर कैरेक्टर एंड ही लव्स हर पामिला एग्रीज बाय दिस कन्फेशन एंड होप्स दैट इट इज सिंसियर पामिला इस कन्फेशन को एग्री कर लेती है और सोचती है कि ये सिंसियर होगा मिस्टर बी स्टेज एट लिंकन शायर स्टेज फॉर अ फ्यू डेज मिस्टर बी स्टेट में कुछ दिन रुकता है पामेला फ्रॉम अ जिप्सी फॉर्च्यून टेलर अ नोट वार्निंग हर ऑफ मिस्टर बी विल मेक अ प्लान टू ट्रैफ इन शैम मैरिज एक शैम मैरिज में फंसाने के लिए पामेला को एक जिप्सी फॉर्चून टेलर से एक नोट मिलता है वो उसे वार्न करता है कि जो मिस्टर बी है वो उसे एक शैम मैरिज में फंसाना चाहता है पामेला रिएक्ट्स स्ट्रोंगली अगेंस्ट मिस्टर बी एंड अगेंस्ट हर ओन सॉफ्टनिंग फील्डिंग फॉर हिम पामेला इस बात के लिए खुद के साथ में भी और मिस्टर बी के साथ में स्ट्रॉगली रिएक्ट करती है आफ्टर रिटर्निंग मिसटर मिसिस जूकेस गिव्स हिम लेटर्स बाय पामेला और जब मिस्टर मिसिस जूकेस जब मिस्टर बी वहाँ वापस आता है तो मिसिस जूकेस पामेला का लिखा हुआ लेटर उसे देता है His reading of these paper only increases his admiration of her character and virtues. He tells her how deeply the writings have moved him and expresses his regret over his rough uses of her, promising to make amends. <laughs> यहाँ पर जब letter है तो impressed होता है और वो है कि वो अपनी को Pamela, still fearing the sham marriage, nevertheless repeats her request to return to her parents. जो Pamela है वो अभी भी sham marriage डरती है मिस्टर बी इज हर्ट एंड फाइनली इन एंगर अलाउस हर टू लीव जो मिस्टर बी है अब फाइनली वो बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो उसको कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ पामेला डिपार्ट्स द लिंकनशायर स्टेट दो नॉट सो हैप्पी अ मूड एज मूड एज एज शी हैड एक्सपेक्टेड तो यहां पे जो पॉमिला है वो लिंक, लिंकनशायर से चली जाती है लेकिन अब वो उतनी खुश नहीं है शी वॉज स्टॉपिंग इन अ कंट्री इन शी रिसीव्स अनदर लेटर फ्रॉम मिस्टर बी वो एक कंट्री uh, इन में रुकती है एक होटल में रुकती है वहाँ पर उसे मिस्टर बी का दूसरा लेटर फिर से मिलता है आस्किंग हाउ रिटर्न टू लिंकन शाया जिसमें ये लिखा होता है कि मिस्टर बी कहता है कि आ, वापस लिंकन शायर में आ जाओ पामेला हैविंग रिकंसिडरिंग डिसाइड टू ट्रस्ट हिम एंड गोज बैक टू लिंकन शाया पामेला उस पर ट्रस्ट करती है और वापस लिंकन शायर में चली जाती है श्री रिटर्न दे डिस्कस द लाइकली सोशल फॉलो आउट फ्रॉम मैरिज बिटवीन अ स्क्वायर एंड सर्विंग मेड यहाँ पर वो सोशल फॉलोआउट के बारे में बात करते हैं कि जो सोशल फॉलोआउट होगा एक स्क्वायर एक मालिक और एक जो सर्विंग मेड है उसके बीच में अगर शादी होती है तो पामिला देन नैरेट्स द स्टोरी ऑफ जिप्सी फॉर्चुन टेलर और पामिला जो बताती है मिस्टर बी को कि जिप्सी फॉर्चुन टेलर ने क्या कहा था

जो पामला है उसके एटिक्यूट और उसकी ब्यूटी दोनों की वजह से सारे लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं मिस्टर एंड्रयूज रीचेज़ दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम फ्रॉम अ लेटर ही गॉड दैट हिज डॉटर इज़ फुली करप्टेड मिस्ट्रेस ऑफ स्क्वायर नाउ अब मिस्टर जो एंड्रयूज हैं वो ये सोचते हैं एक लेटर में से उन्हें पता चलता है कि अब वो मिस्ट्रेस बन चुकी है और उसे लगता है कि वो एक करप्टेड मिस्ट्रेस होगी एन अ हैप्पी रियूनियन हैपन्स ऑफ विच ऑल द डिनर गेस्ट विटनेस यहाँ पर काफ़ी अच्छा उनका रीयूनियन होता है देयर वॉज अ ग्रेट डिस्कशन ओवर दिस मैरिज एंड मिस्टर विलियम्स इज नाउ एक्टेड फ्रॉम हिज डेथ चार्जेस और जो मिस्टर विलियम है उसे भी एकट मिल चुका है उसे भी जेल से छुटकारा मिल चुका है ऑन अ थर्सडे Two weeks after the start of engagement, Pamela and Mr. B are married in the family chapel. Ab un dono ki ho chuki hai. Mr. William Presda uh, is over the ceremony and Mrs. Jukis attends the bride. The newlyweds originally planned to keep their marriage a secret. The newlyweds planned to keep their marriage a secret. Rakha

Lady Devers insults Pamela at some length, detaining her against her will with the help of her nephew. Pamela runs away through a window and, with the help of her new allies, Mrs. Jukes and Monster Colbrand, makes it to the home of Sir Simon Dar Darbford. There she tells the story to the company of her experience with Lady Devers. दि नेक्स्ट मॉनिंग लेडी डेवर्स कम्स दे फाइट विद हर ब्रदर जो लेडी डेवर्स है वो नेक्स्ट मॉर्निंग आती है अपने ब्रदर से इस बारे में फ़ाइट करती है लेडी डेवर्स वॉक्स ऑफ एंग्रेली बट आर रिकनसलिएशन अकर्स ओवर डिनर डिनर के टाइम पर फिर वो रिकनसाइल हो जाते हैं आफ्टर डिनर हाउ एवर लेडी डाइवर्स आस्क टू अमेन नेम्ड सेली गॉड टू एक्सप्लेन अ फ्यू थिंग्स टू पामिला पामिला को बताने के लिए सैली गॉडफ्रे से कुछ चीज़ें वो कहती हैं लेडी डेवर्स वो कहती हैं कि सच्चाई बताओ ही शी टेल्स स्टोरी ऑन द इटालियन डूल एंड कन्फिस कनेक्शन विद सेली यहाँ पर क्योंकि सॉरी शी ही मिस्टर बी या फिर यहाँ पर मिस्टर बी जो हैं मिस्टर बी अपना अपनी पूरी स्टोरी जो हैं वो एक डूल के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि उसका कनेक्शन सैली से है अ यंग वुमेन ही मेट इन हिज कॉलेज ईयर्स जो शैली है शैली गॉडफ्रे है शैली गॉडफ्रे से वो अपने कॉलेज ईयर्स में मिला था ही बिकम्स एंग्री एट हिज सिस्टर फर्स्ट एंड मिसिस डेवर्स फील सॉरी फॉर हर एप्स जो मिस्टर बी है पहले तो वो अपनी सिस्टर पे काफ़ी गुस्सा गुस्सा होता है लेकिन बाद में ना, जो मिसिस डेवर्स है वो इस बात के लिए सॉरी फील करती है शी एंड पामिला काम द दिसकवायर एंड इफेक्ट आर रिकन्सुलेशन इन विच ही एवेंचुअली एग्रीज जब पामेला और मिसिस डेवर्स स्क्वायर को मिस्टर बी को शांत कर देते हैं और वो हो जाते हैं पामेला मीट्स लेडी डेवर्स इन हर रूम एंड दे हैव गुड टाइम टुगेदर एंड टॉक्स अबाउट मिस्टर बीज कैरेक्टर सो हियर पामेला और लेडी डेवर्स दोनों एक रूम में मिलते हैं और दोनों के दोनों अच्छा टाइम वहां पर स्पेंड करते हैं पामिला अलाउज हर न्यू सिस्टर इन लॉ टू सी ऑल हर राइटिंग्स जो पामेला है वो अपनी सिस्टर इन लॉ को पूरी राइटिंग्स दिखाती हैं पामेला एंड मिस्टर बी रिटर्न टू बैटफोर शाया इस्टेट वेयर दे रिसीव एमिएबल एन एमिएबल वेलकम फ्रॉम वर्कर्स यहाँ पे मिस्टर बी और पामेला दोनों बैटफोर शाया इस्टेट आ जाते हैं मिस्टर बी ऑफर्स टू सेट अप पामिलाज़ फादर एंड मैनेजर पामेलाज फादर द मैनेजर ऑफ़ द स्टेट इन कैंट जो मिस्टर बी है वो पामिला के फादर को मैनेजर बना लेता है स्टेट in Me Later they enjoy shopping of clothes and entertains the local gentry who are impressed with Pamela's behaviour. Mr. Uh, Mr. B goes with Pamela to meet Miss Godwin, a little girl at a local boarding school, who is his daughter by Sally Godfrey. Jo Mr. B hairs mrs. God, Miss Godwin Miss Godwin Miss Godwin has Sally Godfrey और मिस्टर बी की बेटी जो कि एक आ, बोर्डिंग स्कूल में रहती है वो उससे मिलने के लिए जाते हैं पामिला इज़ हैप्पी विद द चाइल्ड एंड रिक्वेस्ट दो इन वेन टू तो टेक हर इन एज पार्ट ऑफ द बैटफो शाया हाउस होल्ड पामिला उससे खुश है और वो चाहती है कि जो मिस गॉडविन है उसे बैटफोर शाया लाया जाए मिस्टर बी एक्सप्लेन्स द स्टोरी ऑफ़ शैली गॉडफ्रे टेल्स एवरीथिंग अबाउट देयर अफेयर एंड हा स्टे इन जमैका तो जो मिस्टर बी है वो शैली गॉडफ्रे के बारे में सारी चीज़ें बताता है और ये भी बताता है कि जो शैली गॉडफ्रे है वो अब जमैका में रहती है शैली इज़ नाउ हैप्पली मैरिड इन जमैका जो शैली है वो अब जमैका में है और हैप्पली मैरिड है स्पेंडिंग हैप्पी टाइम विद मामिला वन डे मिसर अबाउट दिस सेटलमेंट he made for Pamela. In the last, the editor of letters by Pamela tells the readers that her later life remains happy. जो Pamela का जो editor है जिसने उसके letters edit किए हैं वो बताता है readers को कि जो Pamela है वो अब बहुत अच्छे से अच्छी life जी रही है She bears several children with Mr. B. उसके काफ़ी सारे बच्चे होते हैं Mr. B के साथ पामेला मेक्स एवरी वन हैप्पी अराउंड हर एंड हर नेबर्स पामिला जो है वो सभी को खुश रखती है लेडी डेवर्स हैज़ बिकम नाउ पामेला इज गुड फ्रेंड जो लेडी डेवर्स है उसकी सिस्टर इन लॉ वो भी पामेला की अच्छी फ्रेंड बन चुकी है शी बिहेव्स एमिकेबली टू द फैमिली ऑफ स्क्वायर पामेला टेक्स केयर ऑफ मिस गॉडविन एंड टीचर्स हर मॉरल लेसन फॉर लाइफ एंड लर्नस दैम वेरी वेल एंड लिव्स अ पायस लाइफ जो मिस गॉडविन है जो गॉड सेली गॉडफे की बेटी होती है उसे भी पामेला बहुत अच्छी आ, टीचिंग्स देती है अच्छे तरीके से उसे मॉरल लेसन सिखाती है जो कि उसकी लाइफ के लिए उसमें हेल्पफुल होते हैं थीम्स के बारे में बात करें तो साइकोलॉजी एंड द सेल्फ द इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिविजुअल, क्लास पॉलिटिक्स हिपोक्रेसी एंड सेल्फ नॉलेज दीज आर द थीम्स ऑफ द वर्क सो फर्स्ट ऑफ आल लेट्स टॉक अबाउट क्लास पॉलिटिक्स सोशल सिस्टम ऑफ द डे इज़ ब्यूटिफुल पोर्ट्रेड इन द नावल सोशल सिस्टम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है क्लास कन्फ्लिक्टज़ वन ऑफ द की थिंग क्लास कन्फ्लिक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है अगर हम पामेला और स्क्वायर मिस्टर बी के बारे में देखें तो ये हमें क्लियरली देख क्लियरली देखने को मिलता है हिपोक्रेसी एंड सेल्फ़ नॉलेज हिपोक्रेसी इज सीन ऑल्सो इन द कैरेक्टर ऑफ पामिला एड शी ट्राइज टू ट्राइज रिवर्स साइकोलॉजिकल प्ले टू कंट्रोल मिस्टर बी यहाँ पर हमें थोड़ा सा आ, हिपोक्रेसी पामेला के कैरेक्टर में भी देखने को मिलती है क्योंकि वो यहाँ पर रिवर्स साइकोलॉजिकल प्ले करती है मिसटर बी को इम्प्रेस करने के लिए द नेचर ऑफ वर्च्यू रिचर्डसन गिव्स टू नैरो पर जो वर्च्यू है उसका बहुत ही नैरोफिनेशन रिचर्डसन के द्वारा दिया गया है ही कंसिडर फिजिकल कंडीशन ओनली आस्पेक्ट ऑफ वर्च्यू फिजिकल कंडीशंस को ही वो आस्पेक्ट ऑफ वर्च्यू मानकर चलते हैं इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन शेयर द डाउट्स विद अस विद दिस वी एंड दिस लेसन थैंक यू सी यू इन नेक्स्ट सेशन